दोस्तों यहाँ विकी और केट की शादी जी आज तो जैसे कि हर तरफ इन दिनों तो यही सुनने को मिल रहा है। हालांकि जैसे कि विकी और कटरीना जो कि इस बारे में अब तक कुछ भी कहते नहीं दिखे है। जी आज तो जैसे कि देखने को तो मिलते ही है कि जब भी यहाँ बॉलीवुड स्टारों की शादी होती है तो यहाँ उससे पहले कुछ भी जानने को नहीं मिलता है, और जैसे कि यहाँ स्टारों की शादी के बाद ही यहाँ पर कुछ ऑफिशियली जानने को मिलता है। तो जैसे कि दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे कि दोस्तों यहाँ सोर्सेज के मुताबिक तो यहाँ काफी कुछ बताया जा रहा है, और जैसे कि इसके मुताबिक तो यहाँ 9 दिसंबर को यहाँ पर विकी और कटरीना जो कि लेने वाले हैं 7 फेरे। जैसे कि जानने को मिल रहा है कि लगभग 120 मेहमानों के साथ यहाँ पर राजस्थान के 700 साल पुराने किले में यहाँ पर विकी कौशल और कटरीना कैफ की वेडिंग होने वाली है, और जैसे कि इस बीच यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी तो रखी जाएगी ही। साथ ही इसके दोस्तों यहाँ जाने को मिल रहा है कि लगभग 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पर वेडिंग के सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। और जैसे कि दोस्तों विकी केट जो कि शादी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं, और खासकर जैसे कि मेहमानों के लिए तो कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों एक तरफ जाने को मिल रहा है कि लगभग 4 दिसंबर से यहाँ पर मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा, और जैसे कि लगभग 6 दिसंबर को यहाँ पर विकी और कटरीना जो कि यहाँ पहुंचते दिखेंगे माधवपुर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ फिलहाल तो यहाँ विकी कौशल और कटरीना कैफ जो कि इस बारे में कुछ भी कहते नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ जानने को तो मिल ही रहा है कि यहाँ फाइनली कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर हमें बॉलीवुड में एक बड़ी वेडिंग होती दिखने वाली है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।